कि आप जामिया और देख रहे हैं साथ पब्लिक न्यूज। मैं मोहम्मद तस्लीम, मैं बिहार के चंपारण यानी गांधी के सत्याग्रह भूमि से मैं पहुंच चुका हूं हरियाणा के न्यू मेवात में। और जैसा कि गांधी के ये जो बना है एक तरह से मूर्ति, और ठीक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जो लगाव था मेवात से, वो इस तस्वीर इस वीडियो के थ्रू आप देख सकते थे कि जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद से जिस तरह से हिंदुस्तान दो हिस्सों में बटा, उसमें मेवात के आवाम पाकिस्तान की तरफ लोग जा रहे थे, लेकिन महात्मा गांधी के आह्वान पर तमाम मेवातवासी यहीं यानी इसी हिंदुस्तान में रह गए। और क्योंकि जिस तरह से मेवातवासियों का लगाव इस हिंदुस्तान से है और जिस तरह से देशभक्ति उनका रहा है, ओवरऑल आपको इसमें आप देख सकते हैं कि महात्मा गांधी 19 दिसंबर 1947 को बबाए कौम चौधरी मोहम्मद यासिन खान तथा मेवात के अन्य चौधरियों से मिलकर उन्हें एक तरह से मेवात के लोगों को समझाया कि आप यहीं रहें, दोस्त पाकिस्तान ना जाएं। ओवरऑल खासेड़ा गांव में आए थे। ओवरऑल जिस तरह से कहीं ना कहीं ये काफ़ी ऐतिहासिक है। और सबसे बड़ी बात है कि इस वक्त हरियाणा में जो चुनाव हो रहा है लोकतंत्र के लिए बहुत ही एक निर्णायक साबित होने जा रहा है। और मैं आपको बताऊँ कि जिस तरह से विधानसभा हरियाणा का जो चुनाव हो रहा है, कहीं ना कहीं देश की निगाहें इस चुनाव पर है कि आखिर इस चुनाव में क्या होने जा रहा है। जिस तरह से पिछले दो यानी टर्म से यानी कि 10 सालों से बीजेपी की सरकार है, ओवरऑल हम यहाँ बात करेंगे यहाँ तमाम लोगों से कि आखिर माहौल क्या है, ओवरऑल क्या लगता है, थोड़ा क्या लगता है हरियाणा का चुनाव होने वाला है। इंशाल्लाह जीत पक्की होएगी। आफ्ताब के आदमी हम। किनका आफ्ताब? क्यों? क्योंकि पहले से तो नहीं दी थी उसकी वोट, अब के उसकी देंगे। क्यों मतलब थोड़ा बताएं? क्योंकि अच्छा काम चला करता है। हाँ, क्या माहौल है इस वक्त हरियाणा नूह मेवात में? नूह की बात मत करो, हम अपनी गांव की बात करेंगे। हाँ, सर नूह की बात, हम घासड़े गांव की बात करेंगे। इतने गंदे रास्ते हैं, जिस मोहल्ले में मैं रहता हूं 15 साल से किसी ने न वायर लाइन लगवाए, इतने बड़े मोटे बालक परेशान है, किसी चीज की सुविधा नहीं है। आप मेरे साथ चलो, हर रास्ता दिखाऊं मैं। मुझे यहाँ आना था होटल पे, मैं पूरे गांव में 3 किलोमीटर घूम कर रहा हूँ बाइक से। सीधे सट आता तो मेरे 500 मीटर पड़ता, अब मैं 3 किलोमीटर घूम के ऐसा रहा हूँ सर। सिर्फ किसके वजह से थोड़ा रास्ता सही नहीं है, ठीक है? आपका गांव घासेड़ा है? गांव घासेड़ा है, मेरा नाम विक्राम है। ठीक है जी, इसी नाम आपका विक्राम नाम है मेरा। बहुत बुरा हाल है गांव का जी। हाँ। बहुत ही बुरा हाल है। आपके गांव तो महात्मा गांधी आए थे? वो तो उस टाइम आए थे सर, हमारी पैदा भी नहीं है, बहुत पहले आए थे वे तो। हाँ हाँ। ठीक है, वो बहुत पहले आए थे, उस टाइम हमारी पैदा नहीं। क्या क्यों मतलब कि क्या चाहते हैं कि आप जब वोट देने जाएंगे तो क्या सोच कर जाएंगे? जैसे वोट ले वोट माने के लिए तो आ जाते, लेकिन जैसे अब हम अनपढ़ आदमी है, जैसे कोई रास्ता है, कोई रोजी रोटी है, कुछ वो है, कुछ तो होना चाहिए। पढ़े लिखे तो कर ले, अनपढ़ आदमी के लिए भी तो कुछ होना चाहिए। कुछ भी नहीं, कैसे भी नहीं है। आप मेरे साथ बैठ के चलो, मैं सारे रास्ते दिखाता हूँ आपको। क्या क्या मतलब आपके काम प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम लाइट की, प्रॉब्लम रास्ते की, प्रॉब्लम पानी की प्रॉब्लम। ठीक है सर, ये सबसे ज्यादा है। क्या कर रहे हैं आप? रुकिए रुकिए, हाँ क्या? क्योंकि ये पानी की प्रॉब्लम घासेड़े के अंदर, हाँ। जो भाई बता रहा है पानी की, बिजली की और रास्ते की, इसकी हाँ। तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम घासेड़े के अंदर, कोई सुना ही नहीं। अभी हमारा नया सरपंच बना है, उसने अभी काम चालू करवाया, इसी प्लान में बनाया है। बहुत सारे रास्ते जो मेन रास्ते हैं जिससे ज्यादा निकलते हैं ट्रैफिक, थोड़े अच्छे बुरे रास्ते उसने सुधरवाए हैं। नहीं इतना बुरा हाल है जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। आप मेरे साथ बैठ के चलो लाइव पे, मैं दिखाता हूँ आपको जी। इसमें कोई हम कोई राजनीतिक में नहीं गूंठा टेंगे जी, डिलीवर आदमी है हम तो, बहुत परेशान, हकीकत बता रहे हैं जी। ठीक है, तो अपना अपना जो आपके गाँव का जो प्रॉब्लम है वो बता रहे हैं, लेकिन जब वोट देने जाएंगे तो क्या सोच कर जाएंगे वोट देने? तो यो हम तो उसको ही देंगे जी जो कोई अच्छा काम करेगा, कोई भी है जो। सर क्या लहर दिख रहा है, किसकी सरकार बन सकती है? सरकार तो सर दे ये, अब तो फिलहाल तो कांग्रेस की ज़्यादा है। क्यों? नू है जी, कांग्रेस काम सही करती है कांग्रेस, ठीक है जी। अब बीजेपी की तो सरकार है, जो बीजेपी की सरकार में काम नहीं हो रहा, कांग्रेस तो ठीक है। फिर भी अच्छे दिन कहते हैं मोदी के, डबल इंजन की सरकार। देख दो सर, वे तो बोल कुछ सौ जो बान, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, ठीक है। जो जो अच्छे दिन बोलते हैं वो उनके याद में होंगे सर, हम किसी के बाद में ना। हमने हालांकि अब बीजेपी को वोट डाली है। कब? अब इससे पहले आपको पता ना, हमारा सरपंच जो बीजेपी का ही है वे, तो उसके वजह से हमने बीजेपी की वोट डाली है। ठीक है, इस बार
इस बार डालिए, उसके बाद हम अगले उसको मार डाल, लेकिन अब हम कांग्रेस के देंगे सर, बीजेपी का नहीं दीजिएगा, बीजेपी का नहीं देंगे, नहीं देंगे सर। जो हम अनपढ़ आदमी के लिए कुछ नहीं हो रहा, अनपढ़ आदमी के लिए कुछ भी नहीं हो रहा, पढ़े लिखे के लिए तो कर भी ले, अनपढ़ आदमी के लिए भी थोड़ा चाहिए सर कुछ। बड़े गांव में जितने भी हमारे मेवात में है, सबसे घास है सबसे बड़े गांव में, ठीक है। एक एक स्कूल में बच्चा आप जाके देखो, स्कूल के अंदर स्कूल बच्चे निकले बैठने के लिए जगह नहीं है सर। अभी अनपढ़ आदमी थोड़ी करवा देंगे सर, वो मौजूदा आदमी काम करवाएंगे। स्कूल में बहुत मोटी परेशानी है सर, एक पानी की, रोड की, लाइट की। बहरहाल हमारी लगातार नज़रें बनी हुई है जो हरियाणा विधानसभा का चुनाव दिलचस्प होने जा रहा है, और जिस तरह से महात्मा गांधी की तस्वीर से, महात्मा गांधी की जो लगाव रहा है हिंदुस्तान से और ख़ास तौर पर मेवात से, तो बच्चे भी देख सकते हैं कि बैठे हुए हैं और एक तरह से प्रेरणा, एक तरह से इंस्पिरेशन ले रहे हैं महात्मा गांधी से।